तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में जो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और जो प्लांट सालों साल आपके इंडोर्स में चलेंगे और जिनको मार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो पहला प्लांट मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है उसको बोलते हैं सेंसेवेरियाज या स्नेक प्लांट्स। इस प्लांट के और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे मदर इन लॉ स्टंग। सो ये प्लांट जो आप देख पा रहे हैं इसका स्पेसिफिक नाम है सेंसेवेरिया ब्लैक गोल्ड। ये है डॉफ वैरायटी, यानी इसकी पत्तियाँ नॉर्मल सेंसेवेरियाज की तुलना में काफ़ी छोटी हैं। तो इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपकी इसकी मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेंड बनानी होगी, यानी जब भी आप इसको पानी दें इसकी पानी बहुत ही आसानी से नीचे से आ जानी चाहिए। आप इस पौधे को इंडोर्स में भी रख सकते हैं, आउटडोर्स में भी रख सकते हैं, ये कहीं भी बहुत ही अच्छी तरह चलेंगी। और अगर आपके घर में बहुत ही कम लाइट है या बहुत ही कम उजाला है तो आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से अपने इंडोर्स में लगा पाएंगे। ये प्लांट बहुत ही इजीली सालों साल आपके घर में चलेंगे, बट इसको ग्रो करने का एक ही फार्मूला है कि आप इस प्लांट को ओवर वाटर ना करें, यानी जब इस प्लांट को या इस पौधे को पानी की ज़रूरत हो तभी आप इसको पानी दें। तो जो सेकंड वैरायटी का प्लांट मैंने चूज़ किया है इसको बोलते हैं हवर्थिया। इसका एक्चुअल नाम है हवर्थिया एट्यूनाटा। मैं इस प्लांट का जो स्पेसिफिक नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। सो ये एक बहुत ही हार्ड टू किल प्लांट है, बिकॉज आप देख पाएंगे कि इसकी पत्तियाँ काफ़ी अलग तरह की हैं दूसरे इंडोर प्लांट की तुलना में, क्योंकि ये एक सकुलेंट है और सकुलेंट्स को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। तो आप इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेल ड्रेंड बनाएं, इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको बहुत ज़्यादा धूप मिले, क्योंकि ये प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बात करें अगर फर्टिलाइजेशन की तो इसको फर्टिलाइजेशन की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। आप देख पाएंगे कि मेरे एक पौधे से काफ़ी सारे पब्स निकल रहे हैं या काफ़ी सारे बेबीज़ हुई हैं, तो मैं इसको अभी सेपरेट नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे ही मुझे दिखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप इसके पप्स को या इस प्लांट को प्रोपागेट करना या एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनाना बहुत ही इजी है। आप जस्ट इसके एक पप को बाहर निकालिए और इसको एक अलग पॉटिंग मिक्सचर में बिठाइए। वो जो पॉटिंग मिक्सचर मैं यूजुअली अपने सकुलेंट्स के लिए यूज़ करती हूँ वो है कोकोपीट, परलाइट, रिवर सैंड और कंपोस्ट। आप इसके अलावा और कुछ भी इस पर इंक्लूड कर सकते हैं, बट कभी भी अपने किसी भी सकुलेंट को नॉर्मल गार्डन सॉइल में मत लगाइए, क्योंकि नॉर्मल गार्डन सॉइल काफ़ी डेंस होता है जिसमें जो वाटर है या जो पानी है काफ़ी टाइम के लिए होल्ड होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सकुलेंट लगाएं या कैक्टाई लगाएं तो इसका सॉइल मिक्सचर बहुत ही वेल ड्रेंड होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड प्लांट पर। फ्रेंड्स, अगर आप अपना नया इंडोर प्लांट गार्डन शुरू करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो बहुत हार्ड टू किल्ड है और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, तो ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी वैरायटी का सकुलेंट या किसी भी वैरायटी का कैक्टाई ज़रूर अपने इंडोर्स में लगाएं। जो कैक्टाई अभी आप देख पा रहे हैं इसका नाम है ऑप्टूनिया माइक्रोडिसिस और इसको कॉमनली हम बनी ईयर कैक्टस के नाम से भी जानते हैं। आप देख पाएंगे कि एक प्लांट में कितने सारे पब्स लगे हैं और ये काफ़ी भारी हो चुका है ऊपर के साइड से। तो इस प्लांट को पॉलका डॉट कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे कि इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल जो स्पाइंस है या जो कांटे हैं वो स्पॉट्स के तरह हैं और ये प्लांट बहुत ही हार्डी है। बट वही बात है कि आपको हमेशा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वेल ड्रेंड सॉइल मिक्सचर इसके लिए यूज़ करना है और आप इसको ऐसी एरिया में रखें जहाँ इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट मिलती हो, या सुबह की रोशनी या दोपहर की रोशनी, या आप इसको तेज़ धूप में भी रख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से चलेंगे। इसके अलावा इस प्लांट को फर्टिलाइजेशन की बहुत ही कम ज़रूरत है। अगर आप इसको फर्टिलाइज़र ना भी दें तब भी ये प्लांट बहुत ही आराम से चलेंगे। बट किसी भी सकुलेंट या किसी भी कैक्टाई को ग्रो करने का एक ही ट्रिक्स है कि आप इसको अंडर वाटर करें या इसको बहुत ही कम पानी दें और आप इसको डायरेक्ट सनलाइट दें जितना हो सके, क्योंकि अगर आप इसको कम सनलाइट में रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके प्लांट का शेप बिगड़ रहा है। तो इसको बहुत ही अच्छी जगह रखें जहाँ पर इसको तेज़ धूप मिले दिन।
तो जो नेक्स्ट प्लांट मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो है फाइकस इलास्टिका, और हम इसको जनरली रबर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। रबर प्लांट्स के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बट उन सब की तुलना में ये फाइकस इलास्टिका बारगंडी जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। और आप देख पाएंगे कि मेरे इस पॉट में मैंने दो प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि मेरा एक प्लांट अच्छा नहीं चल रहा था तो मैंने और एक प्लांट ख़रीदा। तो आप देख पाएंगे कि अभी मेरे दोनों प्लांट्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। फाइकस इलास्टिकास को ग्रो करने का एक ही फार्मूला है कि आप इसको बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्सचर में ग्रो करें, और आप इसको वेल ड्रेन सॉइल तो ज़रूर दें, और इसको फर्टिलाइजेशन ज़्यादा ना करें, और आप इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। और अगर आप इसको ओवर वाटर भी कर दें तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर इसकी जो सॉइल मिक्सचर है उसको वेल ड्रेन्ड बनाएं तो बहुत ही आसानी से आपका जो पानी है वो पॉट के नीचे से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से इस प्लांट को रूट रॉट होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो चलिए आइए चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। तो नेक्स्ट प्लांट मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो है एक टाइप का सिंगोनियम। जो सिंगोनियम आप देख पाएंगे इसका नाम है सिंगोनियम पिक्सी। आप देख पाएंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो नॉर्मल वैरायटी से काफ़ी छोटी हैं, इसलिए ये डॉफ वैरायटी है, इसलिए इसका नाम पिक्सी है। तो सिंगोनियम बहुत ही इजी टू ग्रो है, और ऑल्सो सिंगोनियम को हम एयर प्योरीफाइंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। सिंगोनियम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होते हैं, कई के सिंगोनियम्स में तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे कलर्स होते हैं उनकी लीव्स में। सिंगोनियम्स को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप बहुत ज़रूरी है कि सिंगोनियम का जो सॉइल मिक्सचर हो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड हो, और उसके अलावा भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा सॉइल मिक्सचर आप यूज़ करें जो काफ़ी अमाउंट में ह्यूमिडिटी या नमी को अपने अंदर होल्ड करके रखे, क्योंकि ये जो सिंगोनियम्स है इसको ह्यूमिडिटी या नमी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस सिंगोनियम को टाइम टू टाइम मिस्ट करें या इसको रेगुलरली पानी दें। सिंगोनियम्स बहुत ईजीली ऐसी जगह में भी उग जाएंगे या ऐसी जगह में भी ग्रो हो पाएंगे जहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम आती हो। सिंगोनियम्स को ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल वेरिएंट्स होते हैं, तो आप किसी भी वैरायटी के सिंगोनियम्स को अपने इंडोर में ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये प्लांट ऐसे हैं जो सालों साल भी बहुत ही आसानी से चलते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। नेक्स्ट प्लांट वैरायटी मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं जो है बहुत ही आसानी से आपके इंडोर्स में चलेंगी। इस प्लांट को देखने से अगर आपको लगेगा कि ये एलोवेरा है, बट ये एलोवेरा नहीं है। इस प्लांट का नाम है डाइकिया विर्विफोलिया। आप देख पाएंगे कि इसकी पत्तियाँ एकदम एलोवेरा जैसी हैं, बट इसमें एलोवेरा जैसी कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। आप देख पाएंगे कि इसकी जो पत्तियाँ के जो एजेस हैं उसमें दांत टाइप के या टीथ टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देख पाएंगे कि इसकी पत्तियों के जो अंडर साइड है उसमें वाइट कलर के स्ट्रैप्स हैं जो दूसरे डाइकिया उसमें नहीं पाए जाते हैं, या एलोवेरा में भी ऐसी वैरायटीज़ नहीं हैं। और आप देख पाएंगे कि मेरे इस एक प्लांट में बहुत सारे पब्स भी हैं, बहुत सारे बेबीज़ भी हैं, जिसको मैं अभी सेपरेट नहीं करूँगी। तो आप देख पाएंगे कि इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो जनरल सॉइल मिक्सचर है, वो गार्डन सॉइल और रिवर सैंड, क्योंकि ये प्लांट मुझे ऐसे ही मिला था, तो मैं अभी इसको ऐसे ही इसी सॉइल मिक्सचर में ग्रो करूँगी। बट आप कभी भी किसी भी प्लांट को, स्पेशली किसी इंडोर प्लांट को अपने घर में लाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ड्रेनेज होल्स बहुत ही प्रॉपर ड्रेनेज होल्स होनी चाहिए, और उसमें जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि जो पानी है इसके रूट्स में ना बैठे, क्योंकि इसकी रूट्स इस प्लांट की रूट्स काफ़ी पतली होती हैं या काफ़ी थिन होती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो रूट्स है उसको रूट रॉट हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल आप हमेशा यूज़ करें, और इसको ऐसी जगह ग्रो करें जहाँ इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धूप मिलती हो। तो चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे प्लांट पर। जो नेक्स्ट कैक्टस मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो भी एक मेमिलारिया है। इस मेमिलारिया का नाम है मेमिलारिया बोली। तो हर एक कैक्टस की तरह आप देख पाएंगे कि इसमें भी बहुत सारे
स्पाइंस हैं, इसका मतलब कांटेदार है ये काफ़ी। आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारे पप्स हैं, यानी छोटे छोटे कैक्टस इसमें उगे हुए हैं। तो इसको प्रोपागेट करना भी बहुत ईजी है। तो प्रोपागेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही आराम से इसके जो पप्स हैं या जो बेबीज़ हैं उसको अलग करें और उसको अच्छे वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर में लगाएँ, ताकि जब तक ना इसकी रूट्स आ जाए तब तक इसमें किसी भी तरह की सड़न या इसके रूट्स जो हैं या ये जो कैक्टस है ये सड़ना स्टार्ट ना हो जाए। बस आप इस कैक्टाई को बहुत अच्छी धूप में रखें या इसको डायरेक्ट धूप में रखें और बहुत कम पानी दें, तो सालों साल ये पौधे आपके घर में बहुत ही आसानी से चल पाएंगे। तो नेक्स्ट प्लांट मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, ये एक वैरायटी है कैक्टाई का। इस प्लांट का नाम है मेमिलारिया एलोंगेटा। आप देख पाएंगे कि इसके जो तना है इस प्लांट में, आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी लंबा ग्रो कर रहा है और इसके बहुत ही ब्यूटीफुल जो स्पाइंस हैं या जो कांटे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स के हैं, ऑरेंज और येलो कलर्स की। तो इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत इजी है। ज़रूरी है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल। आप इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें और इसको बहुत ही कम पानी दें, क्योंकि अगर आप इस प्लांट को स्ट्रेस में रखेंगे या इसको कम पानी या ज़्यादा धूप देंगे तो आप देख पाएंगे कि इस प्लांट का जो कलर है या इसका जो रंग है वो बहुत ही अच्छे से निखर कर बाहर आ रहे हैं। तो चलिए आइए मूव करते हैं अपने दूसरे प्लांट पर। जो नेक्स्ट प्लांट मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है वो है एक वैरायटी का ड्रेसिना। ड्रेसिना इसके बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस प्लांट का नाम है ड्रेसिना गोल्डन मिल्की वे। आप देख पाएंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही डिफरेंट है सॉन्ग ऑफ इंडिया की तुलना में। सॉन्ग ऑफ इंडिया की तुलना में भी इस प्लांट की जो पत्तियां हैं उसमें वेरिएशन सेम ही है, बट आप देख पाएंगे कि इसमें येलो कलर के स्पॉट्स हैं जो कि सॉन्ग ऑफ इंडिया में नहीं होते हैं। ऑल्सो ये प्लांट अभी भी मेरे नर्सरी पॉट में है, क्योंकि ये प्लांट मैं रिसेंटली ख़रीद के लाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट अभी एकोमुलेट हो जाए मेरे इस होम कंडीशंस में, फिर मैं जाकर इसकी मिट्टी या इसके पॉटिंग मिक्सचर या इसका पॉट चेंज करूँगी। तो इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत ईजी है और ये बहुत ही हार्ड टू किल प्लांट है। अगर आप इसको ओवर वाटर भी कर दें तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी इसका सॉइल मिक्सचर चेंज कर दें और इसको नया सॉइल मिक्सचर में ट्रांसफ़र करें, इससे पहले कि इसकी सॉइल या इसकी रूट्स जो हैं वो स्पॉइल हो जाए। इसके अलावा भी ये प्लांट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर। जो नेक्स्ट और लास्ट प्लांट मैंने अपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, इस प्लांट का नाम है पेप्रोमिया का एक वैरायटी है। इस प्लांट का नाम है पेप्रोमिया ऑप्टिसिफोलिया। पेप्रोमियास की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उन सब की तुलना में ये प्लांट बहुत ही हार्डी है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही स्टिफ है या बहुत ही हार्ड है और इस प्लांट को पानी की भी बहुत ही कम ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इसकी जो प्लांट्स हैं वो सकुलेंट टाइप्स की हैं, यानी इसकी पत्तियों में ही पानी है। तो इस प्लांट को बहुत ही कम पानी दे अगर आपके पास ये प्लांट है, और अगर आप अपना इसके अलावा अगर आप अपना नया इंडोर प्लांट गार्डन स्टार्ट करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा प्लांट अपने लिस्ट में इंक्लूड करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इस प्लांट अगर अवेलेबल है आपके वहाँ पर तो इस पेप्रोमिया ऑप्टिसिफोलिया को ज़रूर इंक्लूड करें। आप देख पाएंगे कि जो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो वेरीगेटेड है, क्योंकि ये वेरीगेटेड वर्जन है पेप्रोमिया का। इसके अलावा भी जो नॉर्मल वर्जन है पेप्रोमिया का वो भी बहुत ईजी टू ग्रो है। आप देख पाएंगे कि इसकी जो ऊपर की पत्तियाँ हैं या जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो टोटली ग्रीन कलर में है, जिसमें वेरिएशन नहीं है, बट इसके जो नई पत्तियाँ हैं जो मिडिल सेक्शन से जो नया प्लांट उग रहा है उसमें आप देख पाएंगे कि वेरिएशन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो इस प्लांट को बहुत ही कम पानी दे, इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में रखें और आप इस प्लांट को लो लाइट एरिया, हाई लाइट एरिया, मिडिल लाइट, मीडियम लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट ऑल्सो एयर प्योरीफाइंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। इसके अलावा मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है ब्लूमिंग बी, मैं उस चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय।